स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल बातें करेंगे। आप चाहे एक सीईओ हो या एक वेस्ट वाटर ऑपरेटर, आपके डे टू डे वेस्ट वाटर ऑपरेशंस में बहुत सारे चैलेंजिंग टेक्निकल टर्म्स फेस करने पड़ते होंगे। आज इस वीडियो में उन्हीं चैलेंजिंग टेक्निकल टर्म्स को हम इजी भाषा में समझेंगे। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप इन्हें जान जाएंगे तो वेस्ट वाटर के ऑपरेशंस बहुत ही सिंपली और कॉन्फिडेंट तरीके से आप कर सकेंगे। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। वाटर ट्रीटमेंट के टर्म्स को समझने के लिए हम वाटर ट्रीटमेंट की लाइफ साइकिल को समझते हैं। कैसे वाटर रिवर्स से आता है, फिर WTP प्लांट्स में जाता है, STP प्लांट्स में जाता है और फाइनली रिवर्स को वापस चला जाता है। इस पूरी लाइफ साइकिल को एक एक स्टेप से देखेंगे तो हम सारे टर्म्स को क्लियर कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, वाटर सबसे पहले हमारे रिवर्स या रिजर्वॉयर्स से WTP प्लांट्स में जाता है। WTP का मतलब है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में मेन काम होता है कि पानी के जो TSS है उसको कम करना। TSS का मतलब होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि डिजॉल्व नहीं हो पाते और सस्पेंशन में रहते हैं। इनका साइज अगर देखा जाए तो 2 माइक्रॉन से ऊपर होते हैं। ये एक फिल्टर पेपर में ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे सॉलिड्स को रिमूव करना ही WTP प्लांट्स का काम होता है और डिसइंफेक्शन भी एक काम होता है। ये पानी जब डिसइंफेक्ट और TSS रिमूव होके हमारी पाइप्ड सप्लाई में जाता है, या मतलब हमारे घरों में सप्लाई होता है, तो मैं ये डोमेस्टिक वाटर कहलाता है। जब ये डोमेस्टिक वाटर हमारे डेली ऑपरेशंस में यूज़ होता है, जैसे हमारे घर के वॉशिंग में, बाथरूम्स में, वॉशरूम्स में, तो फिर ये वाटर सीवेज के रूप में बाहर आता है और ये सीवेज वाटर STPs में जाता है। STPs का मतलब है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। जब ये वाटर इंडस्ट्री में जाता है और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होता है तो इसे कहते हैं एफ्लुएंट। तो एफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए होते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। और जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक साथ अपने एफ्लुएंट को ट्रीट करती हैं तो उन्हें कहते हैं CETPs, तो कंबाइंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। अब हम समझते हैं कि STP में ऐसे कौन से चैलेंजिंग टर्म्स होते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। अब STPs में या ETPs में जब ये पानी आता है तो हम कुछ टर्म्स का यूज़ करते हैं पानी के पॉल्यूशन लेवल को जांचने के लिए या पानी के पॉल्यूशन लेवल के बारे में कम्युनिकेट करने के लिए। ये टर्म्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है BOD। BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये उतना ऑक्सीजन की वैल्यू है जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए उस पानी को पूरी तरीके से बायोडिग्रेड करने में, इसे कहते हैं BOD। सिमिलरली एक पैरामीटर है जिसका नाम है COD। इसका मतलब है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये उतना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जो उस पानी को चाहिए ताकि वो केमिकली सारे पॉल्यूटेंट लोड को ऑक्सीडाइज कर पाए। इन दोनों की यूनिट्स, BOD और COD की यूनिट्स, मिलीग्राम्स पर लीटर में होती है। और इनकी इम्पॉर्टेंस ऐसे भी बताई जा सकती है कि अगर BOD टू COD रेशो अगर देखा जाए, अगर वो 0.5 या 0.6 होता है तो वो वाटर बहुत ही ईजिली डिग्रेडेबल होता है, मतलब उसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली डिग्रेड कर सके। पर अगर ये रेशो 0.2 या 0.3 होता है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि COD का रेशो बहुत ज़्यादा है और पानी में कुछ टॉक्सिक या केमिकल सब्सटेंसेज प्रेजेंट हैं। इसके लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या प्रॉपर बायोकल्चर प्रोडक्ट्स का एडिशन करना पड़ेगा उस वाटर को ट्रीट करने के लिए। अब इसी सीरीज में नेक्स्ट टर्म आता है कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कॉलीफॉर्म का काउंट अगर सीवेज वाटर या एफ्लुएंट वाटर में होता है तो इसका डायरेक्ट मतलब ये निकलता है कि बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैड पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी उस वाटर में है। तो कॉलीफॉर्म नापने से हमें ये पता चल जाता है कि वो पानी कितना पॉल्यूटेड है। आगे हम चलते हैं एक पैरामीटर में जिसका नाम है TAN। इसका मतलब है टोटल अमोनिकल नाइट्रोजन। अमोनिकल नाइट्रोजन एक ऐसा टॉक्सिन है या एक ऐसा टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिएंट है, जो अगर पानी से रिमूव ना किया जाए तो ये एक्वेटिक लाइफ को और हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। इसलिए अमोनिया को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक टर्म है TKN। इसको कहते हैं टोटल जेलडाल नाइट्रोजन। इसका मतलब ये होता है कि टोटल अमोनिकल नाइट्रोजन प्लस जितना भी ऑर्गेनिक सोर्सेज में नाइट्रोजन है उसे TKN कहा जाता है। आगे टर्म्स आते हैं जैसे कि MLSS।
जब हम पानी को बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ट्रीट करते हैं तो एक बैक्टीरिया की सफिशिएंट क्वांटिटी चाहिए होती है ताकि वो बैक्टीरियल लोड को डाइजेस्ट कर सके। इस क्वांटिटी को बोलते हैं MLSS। इसका फुल फॉर्म होता है मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स। सिमिलरली एक और टर्म है MLVSS। MLVSS का मतलब होता है मिक्स्ड लिकर वॉलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। जब हम MLSS में हम बैक्टीरियल पार्ट जानना चाहें तो MLVSS का यूज होता है। MLSS में बैक्टीरिया प्लस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं। जब इन दोनों को सेपरेट करें तो MLSS MLVSS प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एक मिश्रण होता है। नेक्स्ट टर्म है ASP। ASP का मतलब है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। नॉर्मली जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होती है वो एरोबिकली हम स्लज को पॉपुलेट करते हैं, एक टैंक में रखते हैं, उसको रिटर्न स्लज वापस लाके एक्टिवेट करके लाते हैं प्लांट्स में और वाटर ट्रीट करते हैं, ये ASP कहलाता है। सिमिलरली एक और टर्म है जिसका नाम है MBR। MBR का मतलब है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर एक फिजिकली वाटर को फिल्ट्रेशन करने की एक मेम्ब्रेन होती है जो ASP प्रोसेस में यूज होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टर्म है MBBR। MBBR का मतलब है मिक्स्ड बेड बायोरिएक्टर। इसका मतलब ये होता है जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जब हम उसमें मीडिया डाल देते हैं, कुछ प्लास्टिक मीडिया या कुछ फोम मीडिया डाल देते हैं और वो मीडिया घूमता रहता है, उस मीडिया एक लिविंग सरफेस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक सरफेस की तरह उपयोगी होता है, इसे MBBR कहते हैं। अब कुछ सिंपल टर्म्स हैं ACF और MGF। ACF का मतलब होता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। MGF का मतलब होता है मीडिया ग्रेड फिल्टर। ये सारे फिल्टर्स होते हैं ताकि जब ट्रीटेड वाटर को पॉलिश करना होता है या उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स हटाने होते हैं तो ये फिल्टर्स काम में आते हैं। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैं कहना चाहूँगा वो बेसिक तीन टर्म्स होंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट वो कहलाता है जब हम पानी में प्राइमरीली ट्रीटमेंट करके उसके सस्पेंडेड सॉलिड को या उसके कलर को या ऐसी जो चीज़ें हैं जो डिजॉल्व नहीं होती, जो सस्पेंडेड होती हैं, उन्हें हटाते हैं, उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, एक एरेशन टैंक में या एनरोबिक टैंक में उस वाटर को ट्रीट करते हैं ताकि उसका डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो सकें। और फिर फाइनली आता है टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में हम कोई पर्टिकुलर फॉस्फोरस रिमूवल, नाइट्रोजन रिमूवल कर सकते हैं या फिर हम उसमें डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, ये सारे टर्शरी ट्रीटमेंट की चीज़ें हैं। तो बस यही था हमारे टर्म्स का सफ़र। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टर्म्स बहुत यूज़फुल लगे होंगे और अब आप अपने सारे डिसीशंस मोर कॉन्फिडेंस और मोर क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे। अगर आप हमारे टच में आना चाहते हैं या हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे या ईमेल आईडी पे हमें लिखिए, हमें खुशी होगी आपसे बात करने में। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।